गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ESSC प्लस के परिवार में। योर सेटिस्फेक्शन इज आवर प्लेजर। दोस्तों, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री को आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं। आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसे कैसे सॉल्व किया जाता है और इसके रेशियोज को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए वक्त को इन्वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ये जो आप वर्ड देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें त्रिगोनों का मतलब होता है ट्रायंगल्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का पूरा मतलब है ट्रायंगल्स को मेजर करना। अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन से ट्रायंगल्स, ट्रायंगल तो बहुत तरह के होते हैं, तो अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कौन से ट्रायंगल्स का यूज होता है। दोस्तों, त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप पहले इमेज को देख रहे हैं, इसे कहा जाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहा जाता है, ये नाम से ही पता चल रहा है। समबाहु मतलब जिसके तीनों भुजा, तीनों साइड्स इक्वल हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। अब सेकेंड आता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आइसोसेलस ट्रायंगल, सम द्विबाहु त्रिभुज। अब इसका भी नाम से पता चल रहा है सम द्विबाहु, मतलब जिसके दो भुजा, टू साइड्स इक्वल हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल, सम द्विबाहु त्रिभुज। अब थर्ड पे आइए, थर्ड को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इसके भी नाम से पता चल रहा है समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री हो, उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब चलिए, हमारे पास तीन तीन ट्रायंगल है, अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्रायंगल का यूज करें। हम ट्रिग्नोमेट्री में ये थर्ड वाले ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का यूज करना है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को इन दोनों त्रिभुज का कोई काम नहीं है, हमें बस सॉल्व करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल से ही सॉल्व करना है। हमें इस ट्रायंगल का तो नाम पता चल चुका है, पर इसके साइड्स का नाम पता है क्या। तो चलिए अब हम इसके साइड्स के नामों को पता करते हैं। तो आप बताइए, आपको इन तीनों साइड्स में से सबसे लंबा साइड कौन सा दिख रहा है। एकदम सही सोच रहे हैं, सबसे लंबा साइड AC है। तो जो सबसे लंबा साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसको उसको बोला जाता है हाइपोटेनस। अब चलिए, एक नाम हमको पता चल चुका है, जो सबसे लंबा साइड होता है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। अब देखिए, यहां हमारा एक एंगल है, याद रखिएगा एंगल हमेशा दो चीज को टच करता है, एक हाइपोटेनस को और दूसरा जो टच करता है वो होता है बेस। एंगल किसको किसको टच करता है, एक हाइपोटेनस को और दूसरा बेस को, और जो हमारा एक्स्ट्रा बच गया है उसको बोला जाता है परपेंडिकुलर। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है, पूरे 90 डिग्री पर सीधे खड़ा है, इसलिए इसका नाम हो गया परपेंडिकुलर। अगर मान लीजिए हमारा ये एंगल यहां ना होकर यहां पर होता, तो इसके साइड्स का क्या नाम होता, तो क्या होता है हाइपोटेनस। देखिए, सबसे लंबा जो साइड है ये तो यही रहेगा, ये तो चेंज नहीं होगा, तो इसका नाम यही हाइपोटेनस ही रह जाएगा। और जो ये एंगल है, ये दो चीज को टच करता है, हम बता चुके हैं किसको किसको, हाइपोटेनस को और बेस को, तो हमारा बेस क्या बन जाएगा, AB। और नीचे जो इकलौता बच गया है वो क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर। अब हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो 6 है, क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए, साइन थीटा का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, वही कोसेक थीटा का हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो एक चीज हमें क्या पता चल रहा है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, साइन थीटा को घुमा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा। वैसे ही कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, सेक थीटा में क्या हो जाता है, हाइपोटेनस बाय बेस, टेन थीटा का क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस,
वही कॉट थीटा का हो जाता है बेस बाई परपेंडिकुलर। अब देखिए हमारे पास छः छः फॉर्मूला आ चुके हैं जिसे याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो हम इसे एक छोटे से ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या है, हमें बस याद करना है पी बी पी एच एच बी, मतलब दो पी के बीच में एक बी और दो एच के बाद में एक बी। तो इसे अब यूज़ कैसे करना है, तो देखिए पहला इसका बीच में डिवाइड है, इसका बीच में क्या है डिवाइड। पहला जो है ये होता है साइन थीटा का घर, ये बॉक्स जो है साइन थीटा का है, उसके बाद आता है कॉस थीटा और उसके बाद टेन थीटा। तो साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा, तो नीचे क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा और टेन का ऑपोजिट कॉट थीटा। तो अब हम इसका यूज कैसे करना है, देखिए साइन का अगर हम लोग को फॉर्मूला निकालना है तो साइन हमारा कहाँ है ऊपर में है, तो हमें क्या करना है ऊपर से नीचे आना है, मतलब ऊपर से नीचे मतलब पी बाई एच। तो देखिए हमारा साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच, पी बाई एच। और अगर मान लीजिए कोसेक का फॉर्मूला निकालना है, कोसेक का फॉर्मूला निकालना है तो क्या करें, कोसेक कहाँ है हमारा नीचे में है, तो हमें नीचे से ऊपर जाना है, हमें क्या करना है नीचे से ऊपर मतलब h बाई पी। तो देखिए वही है h बाई पी। अब cos का भी ऐसे ही हो जाएगा, ऊपर है तो ऊपर से नीचे b बाई एच, और अगर sec का निकालना चाहते हैं तो ये नीचे है तो नीचे से ऊपर मतलब h बाई बी। वैसे ही आप छो के छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूलाज को बस इस छोटे से टेबल से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथागोरस फॉर्मूला को जानेंगे और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देखेंगे कि इन फॉर्मूलाज का और ट्रिक्स का यूज कर हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस।